आगे निकल चुके हैं, दो और प्लेयर है, डैमेज काफी ज्यादा पड़ा है टीएसएम के जो प्लेयर है। टीएसएम वर्सेस गॉडलाइक की फाइट एक बार फिर से हमें आती हुई दिखाई देगी, सामने शैडो ओजी मौजूद रहेंगे, क्लच गॉड डाउन के देंगे, शैडो ओजी के द्वारा नियो की बात करें वो भी यहाँ पे मौजूद रहेंगे, बट शैडो अकेले फंसे जरूर, बट टीएसएम को देखना पड़ेगा बाकी सारे जो प्लेयर्स है वो कहां पे रहेंगे, बट शैडो ओजी यहाँ पे डाउन किएगा नियो के द्वारा, खत्म दोनों तरफ से एक एक कैजुअलिटी, बट चलिए कम से कम जो क्लच गॉड डाउन थे बड़े आसानी से उनको यहाँ पे रिवाइव किया जाएगा टीम गॉडलाइक। उनको पता होता है कि इस टाइम जो प्लेयर्स हैं टीएसएम के वो स्प्लिट होते हैं और उनका पता उनको कि कोई मौजूद है गॉबलिन, उस चीज का फायदा उठाते हुए पुकार डाउन पूरी तरीके से खत्म किए गए स्कालाइट्स तीन प्लेयर के साथ, बट अब गॉडलाइक के पास मौका होगा कि वो प्लेयर्स को डाउन कर सकते हैं, बट वेक्सी जॉनसन को उन्होंने डाउन किया, बट सोमराज की बात करें उन्होंने नियो को डाउन किया, जी गॉड इस वक्त सोमराज को डाउन करेंगे, एक मॉली खत्म करने के लिए काफी रहेगा, बट गमला बॉय लास्ट प्लेयर स्काईलाइट्स की स्कोर से इस वक्त सर्वाइव करते हुए। जी हाँ, पीछे जाने की कोशिश जरूर करिए, नियो को यहाँ पर रिवाइव दिया जाएगा, मैं देखना चाहूंगा कि जॉनसन को रिवाइव दे रहा है, बट जो फिनिश है चुराने की कोशिश गॉब्लिन की तरफ से। स्काईलाइट्स गेमिंग बिल्कुल एक सैंडविच सिचुएशन में फंस गया, उनको पता नहीं था कि आगे कोई टीम है, उनको पता नहीं था पीछे कोई टीम है, पहले आगे गए तो एक प्लेयर नॉक फिनिश हुआ, पीछे गए तो दो प्लेयर नॉक हुए और अब फिनिश होते नजर आएंगे, बट क्या सोमराज का फिनिश गॉब्लिन को मिलेगा या फिर वो जी गॉड होंगे जिनको वो फिनिश मिलेगा। इट इज एक्चुअली गोइंग टू बी गॉड लाइक जिन्होंने यहां पे वो फिनिश कंज्यूम किया, वही तीन फिनिशेस उनके पास हो चुके हैं, क्या अब एक सोल वर्सेस गॉडलाइक आपको देखने को मिल सकता है। मेजी देखिए जोन के अंदर तो फिलहाल के लिए गॉडलाइक स्क्वाड नहीं है, बड़े आसानी से जोन के अंदर पहुंच जाएंगे टीएसएम निंजा जॉर्ज जो आखिरी प्लेयर बचे हुए, उस दिन हमने देखा था निंजा सी गॉड इज द लास्ट मैन, एमजे व्हाट करना चाहूंगा क्या होगा यहां पे, एमजे एक और प्लेयर सोल के नॉक करते हुए, बट क्या वो क्लच कर पाएंगे ये सवाल बनता जरूर है, बट वो एलिमिनेट हो जाते हैं टीम सोल के द्वारा, तो इसी के साथ परेशानी में तो डाल दिया उन्होंने, मान्या को नॉक करा गया, मान्या को फिनिश करा गया, ज़ीगोट इज़ लास्ट मैन स्टैंडिंग, उनका मुकाबला सामने ग्लोबली स्पोर्ट्स एजे नॉक पड़े हैं, जोकर जा रहे हैं एजे को रिवाइव देने, क्या ये रिवाइवल होगा ये सवाल बनता है। MJ 1v4 एक्चुअली में कर सकते थे जिस तरीके से उन्होंने शॉर्ट्स यहाँ पे कनेक्ट करे, पीछे किसी ने नहीं देखा, अक्षत यहाँ पे डाउन किए गए, टेट के द्वारा ड्रिगर की बात करें जादू को खत्म करेंगे, न्यू डाउन है, रिवाइवल अभी भी पॉसिबल है, जोन के एज पे हैं, बट वहां पे भी रिवाइव प्लेयर्स हो रहे हैं, ग्लोबल ईस्पोर्ट्स के जो प्लेयर हैं वो आपस में इस वक्त थोड़ा सा सलाह मशवरा जरूर करेंगे कि किस तरीके से रोटेट किया जाए। गॉब्लिन डाउन, ओमेगा खत्म, टीम एनिग्मा फॉरएवर, एक्चुअली में उनके लिए ये मैच काफी ज्यादा बेहतरीन जाता हुआ, बात करें तीन फिनिशर्स निकाले, तीनों प्लेयर उनके सर्वाइव करेंगे, गॉब्लिन यहाँ पे खत्म हो गए, गॉडलाइक वर्सेस ग्लोबल स्पोर्ट्स अभी भी उनकी फाइट बची हुई, बट रूर पर एक बढ़िया मैच उनका जाता हुआ, नियो एक बार फिर से जोकर के द्वारा डाउन किए गए, जी गॉड लास्ट प्लेयर बचेंगे और फिर सर्कल के बाहर डाउन, बट जोकर डाउन किए गए जी गॉड के द्वारा, और अब बारी है 1v1 की, जीतेंगे जे खत्म होती हुई गॉडलाइक।